तो जी हां, इंतजार की घड़िया समाप्त हो चुकी है। भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज पहले टेस्ट मुकाबले से होने जा रहा है और पहले टेस्ट मुकाबले की टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर काफी ज्यादा माथापच्ची थी, लेकिन अब इसकी तस्वीर साफ है। पहले मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा और उपकप्तान जसप्रीत बुमराह के लिए आसान नहीं था कि प्लेइंग 11 का चयन कैसे किया जाए, क्योंकि टीम इंडिया के पास ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो हर जगह के और प्रबल दावेदार हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे अंग्रेजों के खिलाफ, जो कि बहुत कमाल की टीम लेकर आए हैं, भारत को भारत की घरेलू सरजमी पर हराने का इरादा लेकर आए हैं। ये सच्चाई है कि पिछली बार जब भी भारत अपने घरेलू सीरीज हारा था वो अंग्रेजों के खिलाफ ही हारा था, और इस बार तो खैर ये टीम खतरनाक नजर आ रही है। चलिए जानते हैं टीम इंडिया की पहले टेस्ट मुकाबले के लिए क्या रहेगी प्लेइंग 11। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए। क्रिकेट की तमाम बड़ी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो जी हां, भारत बनाम इंग्लैंड पहला टेस्ट मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है और बल्लेबाजों के द्वारा रन भी खूब बनाए जाते हैं। उसी पिच को ध्यान में रखते हुए प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से है, जिसमें सबसे पहला नाम कप्तान रोहित शर्मा का आता है। ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा की भूमिका और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले और दूसरी इनिंग में बल्लेबाजों को खूब मदद मिलती है और बड़े स्कोर भी होते हैं। ऐसे में रोहित शर्मा ओपनिंग पेयर के तौर पर अच्छी बल्लेबाजी करना चाहेंगे। पिछले कुछ समय से टेस्ट फॉर्मेट को धारण रोहित शर्मा ने बखूबी किया है और टेस्ट फॉर्मेट में बेसबॉल क्रिकेट भी रोहित शर्मा खेल सकते हैं, बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं। एक दो इनिंग भी अगर इनकी अच्छी आई तो टीम इंडिया पहले से ही इस मुकाबले को डोमिनेट करती हुई नजर आएंगी। रोहित शर्मा के साथ में ओपनिंग पेयर में नाम यशस्वी जायसवाल का आता है। पिछले कुछ समय से यशस्वी जायसवाल भारत के हर फॉर्मेट में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। ये एक उभरता हुआ युवा सितारा है और जायसवाल ने टेस्ट फॉर्मेट में अच्छी बल्लेबाजी कर ये दिखाया है कि वो न केवल T20 फॉर्मेट में अग्रेसिव अंदाज रखते हैं बल्कि टेस्ट फॉर्मेट में भी लंबी पारी खेल सकते हैं। और आपको एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो टेस्ट फॉर्मेट में आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर सके, स्पेशली इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि ऋषभ पंत जब आपके पास नहीं है तो उनका रिप्लेसमेंट जायसवाल के रूप में भी मिल सकता है, क्योंकि ऋषभ पंत जो इंटेंट रखते थे वही इंटेंट जायसवाल का भी है। ऐसे में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के रूप में लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। नंबर 3 का पायदान शुभमन गिल को दिया जाएगा। जी हां, शुभमन गिल पिछले कुछ समय से ओपनिंग पेयर में टेस्ट फॉर्मेट में बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं। खुद रोहित शर्मा ने बताया कि शुभमन गिल ने कहा वो नंबर 3 पर कंफर्टेबल है और वहां पर बल्लेबाजी करना चाहते हैं। और जो नंबर 3 चेतेश्वर पुजारा को दिया जाता था, वहां पर शुभमन गिल आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अब शुभमन गिल के अंदर क्या टैलेंट है ये बताने की जरूरत आपको नहीं है। टीम इंडिया के नए स्टार खिलाड़ियों में से एक हैं और शुभमन गिल भारत के तीनों ही फॉर्मेट में जगह पक्की कर चुके हैं। बस पिछले कुछ समय से शुभमन गिल की वो इनिंग नहीं आई है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उम्मीद करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ अपने घरेलू सरजमी पर शुभमन गिल बड़ी पारी खेलकर भारतीय क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर में जान फूंकने का काम करेंगे और शुभमन गिल को वैसा करना होगा टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए। तो टीम इंडिया में नंबर 3 पर शुभमन गिल की जगह रहेगी। नंबर 4 पर कोई डाउट नहीं, विराट कोहली, चेज मास्टर कोहली। विराट कोहली के इर्द गिर्द ही टीम इंडिया का मिडल ऑर्डर इंग्लैंड के खिलाफ रहने वाला है। विराट कोहली बड़ी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं और खास तौर पर बड़े मुकाबलों के ये खिलाड़ी है। विराट कोहली जिस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी है। हाल ही में T20 फॉर्मेट में अच्छा कर आ रहे हैं और अब उम्मीद करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद के उस स्टेडियम में विराट कोहली की तरफ से एक बहुत बड़ा शतक देखने को मिले। विराट कोहली वो इंटेंट नजर आता है, विराट कोहली जब फील्ड में होते हैं तो वो अग्रेशन नजर आता है और इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली का आंकड़ा वैसे भी बहुत पुराना है। अब बल्लेबाजी से प्रभावित करना चाहेंगे और अपने आप को साबित करना चाहेंगे, तो नंबर 4 पर विराट कोहली ही बल्लेबाजी करेंगे। नंबर 5 को लेकर श्रेयस अय्यर का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे है। श्रेयस अय्यर वो खिलाड़ी है जिन्होंने पिछले कुछ समय से काफी अच्छी बल्लेबाजी करी है। वनडे फॉर्मेट में अच्छा दिखे, उसके बाद T20 फॉर्मेट में ज्यादा मौके मिले नहीं, लेकिन अब टेस्ट फॉर्मेट में इंग्लैंड के खिलाफ टीम में इनका नाम दिया गया है।
और नंबर 5 के बल्लेबाज के तौर पर प्लेइंग 11 में भी ये जगह पक्की करते हुए नजर आएंगे। टीम इंडिया के पास ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो काफी धैर्य के साथ आते हैं, बड़ी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं, टेस्ट फॉर्मेट में काफी अच्छा किया है। हालांकि पिछला दौरा जो साउथ अफ्रीका का था वो उतना अच्छा रहा नहीं। उम्मीद करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ भारत की घरेलू सरजमी पर श्रेयस अय्यर की तरफ से बड़ी पारियां देखने को मिले। नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर नाम केएल राहुल का आता है। अभी इस खिलाड़ी के तारीफ में शब्द कम पड़ रहे हैं जिस तरह से इन्होंने कमबैक किया है। जी हां, वनडे फॉर्मेट में वापसी के बाद अब टेस्ट फॉर्मेट में भी शानदार बल्लेबाजी कर रही हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो शतक लगाकर उस मुश्किल सिचुएशन से टीम इंडिया को बाहर निकाला। उसे पता चलता है कि प्रेशर मुकाबलों में भी केएल राहुल बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं। टेस्ट फॉर्मेट में बड़ी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं और जब घरेलू सरजमी की बात आती है तो केएल राहुल और भी ज्यादा अच्छी तरीके से आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। नंबर 7 की बात करेंगे तो फिर नाम रविंद्र जडेजा का आएगा। एक ऐसा खिलाड़ी जिन्हें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर कहा जाता है, जो बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, जो बड़े बड़े शॉट भी लगाता है तो टेस्ट फॉर्मेट में वो धैर्य भी दिखाता है। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी ये टीम इंडिया के लिए जरूरी हो जाते हैं, इसलिए कई बार प्रमोट भी किए जाते हैं। और गेंदबाजी में जो विकेट लेते हैं और जो तीसरे चौथे और पांचवें दिन जो फुटमार्क बनते हैं और उसके बाद जडेजा और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जडेजा वहां पर गेंदों को, जी हां, बल्लेबाजों को छकाने के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा की वैल्यू 3D प्लेयर के तौर पर भी बढ़ जाती है। 8वें पायदान पर कोई दो राय नहीं, रविचंद्रन अश्विन का नाम आएगा। टेस्ट फॉर्मेट की बात हो और अश्विन की बात न हो, ऐसा हो कहां सकता है। रविचंद्रन अश्विन वो खिलाड़ी है जो अपनी स्पिन गेंदबाजी की वेरिएशंस के लिए जाने जाते हैं, जो इनके तर्कस में तीर नजर आते हैं, बड़े बड़े बल्लेबाजों को छकाते हैं और इनके नाम से खौफ खाते हैं। और जब बात घरेलू सरजमी की है तो फिर ये और भी खतरनाक हो जाएंगे। न केवल गेंदबाजी बल्कि बल्लेबाजी में भी 8वें पायदान पर आपको गहराई देते हैं और गहराई जब देते हैं तो फिर आपकी जगह 100% पक्की हो जाती है। 9th पोजीशन की बात करते हैं तो फिर आपको कुलदीप यादव को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि कुलदीप यादव एक स्पिन गेंदबाज है और स्पिन गेंदबाजों को मदद तीसरे, चौथे और पांचवें दिन इस पिच पर मिलने वाली है, इसीलिए कुलदीप यादव की भी जगह इस प्लेइंग 11 में पक्की है। अब ये चाइनामैन गेंदबाज है और ये भी वापसी कर चुके हैं, इनकी भी फॉर्म लाजवाब है, इनको हाथ से पट पाना आसान होगा नहीं इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए। अब बात करते हैं 10वें पायदान पर तो टीम इंडिया के उपकप्तान जसप्रीत बुमराह का नाम आएगा। चाहिए उपकप्तान है और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी की अगुवाई करने वाले हैं, इनकी गेंदों को नहीं पट पाते हैं कोई भी। बड़ा नाम है गेंदबाजी में इनका और पिछले कुछ समय से जब वापसी करी है तो अब ये टेस्ट फॉर्मेट में भी वापसी कर चुके हैं। जसप्रीत बुमराह कमाल के गेंदबाज हैं, नई गेंद हो या पुरानी, विकेट चटकाना हो, जी हाँ, पार्टनरशिप को ब्रेक करना हो, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं। टेस्ट फॉर्मेट में हालांकि उतनी जरूर डेथ ओवर्स में रहती नहीं, लेकिन ये खिलाड़ी अलग ही उम्दा लेवल का जो स्विंग लेता आता है, कमाल है। और इनके आगे नाम 11वें पायदान पर मोहम्मद सिराज का आएगा। एक ऐसा गेंदबाज जो अग्रेशन के लिए जाना जाता है, एक ऐसा गेंदबाज जो टेस्ट फॉर्मेट में आते ही सबसे खतरनाक माना जाता है। टीम इंडिया का तेज गेंदबाज आक्रमण का इस वक्त सबसे खतरनाक गेंदबाज अगर कोई है तो वो मोहम्मद सिराज ही है और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भला कौन भूल सकता है, जहां इन्होंने हाइप बनाई थी, तो ये एक और खतरनाक गेंदबाज है। तो यह है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 जो कुछ इस तरह से रहेगी। जी हाँ, हमारी राय में। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।